कास्टिंग हुई थी उसके पहले बहुत कुछ था कि आपने कई और जगह से कास्ट उठाए, लेकिन उसके बाद पता चला कि आपने जो कास्ट लिए हैं वो नॉर्मल है। क्या प्रॉब्लम थी, क्यों यहाँ पूरी हिंदुस्तान में आपको टैलेंट ही नहीं मिला? देखिए, इसमें आप हमारी नीयत को दोष न दें, हमारी नीयत पाक साफ बहुत 100% प्योर थी। हमने YouTube के प्लेटफॉर्म के जरिए सारी दुनिया को ये कहा कि हमें एक लीडिंग प्लेयर की ज़रूरत है, मगर जिस किस्म के वीडियोस पोस्ट हुए हैं, ज़रा आप उसको खुद देख लें, क्या वो रिमोटली किसी प्रोफेशनल ग्रुप के स्टार बन सकते हैं? नहीं। और ट्रेजेडी हुई कि जो टैलेंटेड लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जलील नहीं करेंगे, हम क्यों अपना यूट्यूब पे अपना ऑडिशन डालें। तो टैलेंटेड लोग आए नहीं, और जो एमेचर्स थे वो उन्होंने अपने यूट्यूब पे अपने वीडियोस पोस्ट कर दिए। फिर 2.5 महीने के बाद इसने कहा कि व्हाट्सएप ये तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल, आप लोग ने जल्दबाजी की है, ये मार्केटिंग मूव अच्छा था मगर कहीं पर ये पूरे प्रोडक्ट को डैमेज हुआ है, कहीं पर हमारी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाई जा रही है। और ये आप जैसा आदमी आज हमसे हमको कटघरे में खड़ा करता है, हमसे ज्यादा नए लोगों को किसी ने दुनिया में ब्रेक दिया ही नहीं है, ये मैं आपको छाती धोके जा सकता हूँ, कोई पैदा हुआ ही नहीं इस तरह। हमने हर क्षेत्र में दिया है और बार बार दिया, सड़क से लोगों को उठा के हमने काम दिया है। तो हमें ये जरूरत ही नहीं कि हम पहले बिचारे नए लोगों का नाम इस्तेमाल करें और पीछे से दरवाजे को इमरान हाशमी को ले आए। नहीं, ये हमारी नियत थी, नहीं हुआ। फिर इसने जाके जो लिए हैं लोग वो कोई स्टार्स तो नहीं है, जिसको हिंदुस्तानी फिल्म लैंग्वेज चले हुए कारतूस कहते हैं वो हैं, मगर जब टैलेंट होता है लोगों में और जब हमारे पास एक नैरेटिव है जो बहुत पावरफुल है और डायरेक्टर का यकीन है, तो ये दोनों जो लड़का लड़की हैं यकीनन अपना छाप छोड़ेंगे। जॉन इब्राहिम जब हमारे पास जिस्म में आए थे तो उसको रिजेक्ट किया था एक फिल्म में, निकाल दिया था। अमिताभ बच्चन साहब को ऑलमोस्ट घर वापस भेज दिया था। तो ये बॉलीवुड में तो ऐसी दास्तान बहुत सारी हैं कि जहां पर लोगों को बोला था भैया इसको शमशान घाट पहुंचा के आओ और वहां से उड़ के आया, जिससे पहले के आपने दिया जलाया है और आग दी वो भाग के आ गए वहां पर पदाज कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा इनके अंदर जज्बा है, मगर हमारी नीयत साफ थी, मगर हमसे गलती हो गई। बहुत सारे बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा उधार लेकर अपने वीडियो डाले, तो उनसे हम तहे दिल से माफी मांगते हैं।